अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए 3 गिलास दूध में 5 चम्मच चीनी ऐड करके बॉईल कर लेंगे हम। बॉईल होने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। एक बाउल में 6 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत सिंपल रेसिपी है, आप सब घर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी हम इसमें 12 चम्मच वार्म वाटर ऐड करेंगे। ये अभी जो रेसिपी मैंने आपको शेयर कर रही हूँ ये आके रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप घर पे बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। रमज़ान में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं तो बच्चों को बहुत खुशी मिलती है और उनका उनका मन भी करता है कि रोज़ा रखें। इस तरह से अलग अलग तरह की डिशेस बना के देंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। अभी हम एक जार लेंगे, जार लेके पहले हम मिल्क ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। वो इसके बाद हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1 कप। इसके बाद वेनिला आइसक्रीम 5 स्कूप्स ऐड करेंगे 5 चम्मच। जब भी रमज़ान आता है तो मुझे इस तरह की डिशेस बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं उनको हम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तभी वो उनका और मन करेगा कि ठीक है हम रोज़ा कर रखें। और अभी हम 1 कप चॉकलेट सिरप ऐड कर लेंगे। चॉकलेट सिरप ऐड करने के बाद जो हमने कॉफ़ी मिक्सचर रखा था वो ऐड कर लेंगे। सारे मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें आइस क्यूब ऐड करके थोड़ी देर इसको ब्लेंड कर लेंगे दोबारा से। उसके बाद हम इस मिक्सचर को सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अभी हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो फॉर्म क्रिएट हुआ है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हमारी ड्रिंक रेडी टू सर्व है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।